इंफोसिस ने लास्ट क्वार्टर क्या करा था, Q1 में बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ थी, FY23 का रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ा दिया था पर मार्जिन्स पे एक मिस था। ये पिछले क्वार्टर की तस्वीर, इस बार क्या एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड ये है कि एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर फिर से होगा टॉप लाइन पर। डॉलर आय 3% बढ़ेगी Q-on-Q, कांस्टेंट करेंसी में 4.5% का उछाल देखने को मिलेगा। अब मैं इस पे नहीं जा रहा कि कांस्टेंट करेंसी ज्यादा क्यों डॉलर से, क्योंकि आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूं TCS के केस में ये सब IT कंपनीज के साथ इस बार होना है, क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है, बाकी सारी करेंसीज वीकन हुई है, इसीलिए डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ ठंडी होगी, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ सबकी बेहतर देखने को मिलेगी। अच्छा, इसके केस में मार्जिन जो है 50 basis points का इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे, ये एक्सपेक्टेड है, 20.5% पे आएंगे। गाइडेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, जो दी थी इंफोसिस ने 14-16% कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू पूरे साल के लिए, 21-23% मार्जिन्स, होपफुली ये रिटेन करेगी। तो अभी क्योंकि इंपैक्ट TCS के नंबर्स ने बता दिया है कि थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग में साइकिल डिले हो रही है अभी, लेकिन ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं है। ऑर्डर विंस बढ़िया $8.1 billion के उनके भी आए थे, तो अभी कोई कंसर्न नहीं है, इसीलिए मेरे ख्याल से गाइडेंस को छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी, यही सारी ब्रोकरेजेस मान। पर इंफोसिस के लिए बड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ज्यादा सबकी नजर है उस बायबैक के अनाउंसमेंट को लेकर। अच्छा, बायबैक करा जा सकता है नेटवर्थ के 25%। इंफोसिस का नेटवर्थ खड़ा है 74,000 करोड़ रुपीज, 25% होता है इसका 18,500 करोड़ रुपए, ये मैक्सिमम बायबैक लिमिट हो सकती है, इसका कोई लेना देना नहीं बायबैक अनाउंसमेंट की तरह। ब्रोकरेजेस जो मान रही है बायबैक का क्वांटम जो होगा वो 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 इसी दायरे में सबके सब है। 11 से 12 पकड़िए, 11 से 12,000 करोड़ रुपए के आसपास का शायद बायबैक होता हुआ नजर आएगा, ये एक्सपेक्टेड है। और ज्यादातर अब तक जितनों से भी पढ़ जितना भी पढ़ा मैंने, तो लास्ट 2 बार हुआ ओपन मार्केट रूट के थ्रू, शायद इस बार भी ओपन मार्केट रूट के थ्रू हो। आइडिया बेसिकली हुआ अगले 4-5 महीने में प्राइसिंग को सपोर्ट करना, खुले बाजार से खरीदते रहना जब भी स्टॉक में गिरावट आए। ये ब्रोकरेज एक्सपेक्टेशन थी रिजल्ट को लेकर और बायबैक को लेकर। अब देखते हैं क्या अनाउंसमेंट आएगा कल शाम को बाजार बंद होने के बाद इंफोसिस के नंबर्स आने। सत्यदेव साहब, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है? आशीष जी, देखिए इंफोसिस चार्टिकली जैसे सुबह भी बात हुई थी, जब तक इंफोसिस अपना इस 1400 का लेवल, बी वेरी प्रिसाइज 1400 से लेके 1380, ये 20 पॉइंट में यहां पे सपोर्ट बनता है, जब तक इस लेवल को मेंटेन करता है तब तक पूरे पूरे चांसेस है कि इंफोसिस रिकवरी देगा, सरप्राइज करेगा। इसका जो टारगेट है 1400 अगर सपोर्ट लेता है तो पहला रेजिस्टेंस आएगा इसका 50 DMA, जो बनता है करीबन 1450 के आसपास, और वो भी निकले तो फिर मुझे लगता है 1500 प्लस को ये टेस्ट करेगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो प्रोबेबली वोलेटिलिटी की वजह से थोड़ा सा नाइसी लगता है, लेकिन 1400 ये इसका अल्माइटी लेवल है। तो यहाँ पे देखिए इंफोसिस में अगर पोजिशन बनानी है तो आपको एक स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1350 का पोजिशनली। ठीक है, मुझे